कानून व्यवस्था की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे बुरा समय कानून व्यवस्था के हालातों में हमने दिल्ली में नहीं देखा। दिल्ली पुलिस जो सीधे तौर पे एलजी विनय कुमार सक्सेना जी के अंतर्गत आती है, उसके ऊपर लोगों का विश्वास लगभग खत्म हो चुका है। आप लोगों से पूछिए कि वो कितना भरोसा करते हैं दिल्ली पुलिस पे, तो आपको लोग बताएंगे। आज दिल्ली की हालत ये हो गई है, सरेआम चाकूबाजी चल रही है, गोलीबारी चल रही है, और आसपास के लोग किसी को बचाने तक सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सवाल आज दिल्ली के माहौल पे खड़े करते हैं। सवाल ये भी होता है कि एलजी साहब कहाँ पे व्यस्त हैं। कुल दो काम उनको संविधान ने दिए दिल्ली में, मात्र दो काम, पुलिस का जिसमें पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दोनों आ जाते हैं, दूसरा लैंड का यानी कि डीडीए का। इन दोनों के अलावा उनके पास कोई काम नहीं दिए संविधान ने, तब भी वो इन कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। वो किस चीज में व्यस्त हैं, हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से पूछना चाहते हैं। कल ये खबर लगभग सब अखबारों में छपी, किस तरीके से एक छोटी सी लड़की की हत्या, दिन दहाड़े एक युवक ने कई दर्जन बार चाकू घोपकर उसको बहुत निर्मम तरीके से मारा। आसपास लोग दिख रहे हैं, कोई बचाने के लिए भी नहीं आगे आ रहा। कुछ दिनों पहले हमने देखा 20 किलोमीटर तक कंझावला में एक लड़की की निर्वस्त्र लाश को 20 किलोमीटर तक घसीटा गया, तब भी कोई एलजी साहब से कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि पुलिस तो जो लोग कार चला रहे थे उनको सबसे पहले क्लीन चिट अगर किसी ने दी तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने दी। उन्होंने कहा नहीं, इनका कोई दोष नहीं, इनको पता ही नहीं था। बाद में इतना हंगामा हुआ तो फिर उनके ऊपर मुकदमा दिला, वरना तो डीसीपी पुलिस ने तो उनको क्लीन चिट दे दी थी। क्या उस डीसीपी को कोई कार्रवाई करी एलजी साहब ने? कोई कार्रवाई नहीं करी। दिल्ली के अंदर इतने सारे थाने हैं, मैं चाहता हूं एलजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं वो आज तक कितने थानों में औचक निरीक्षण करने गए हैं। एलजी साहब बता दें, और उनको अपना जो है कुछ तो उनका रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने आना चाहिए। उन्होंने क्या किया? उनको जाना चाहिए रात में दिल्ली में, निकलना चाहिए सड़कों पे, देखना चाहिए कि कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर, अनऑथराइज बस्तियों के अंदर क्या पुलिस बीट कर रही है, गश्त लगा रही है। कोई नहीं देखता, कोई देखने वाला ही नहीं है। एलजी साहब की कोई जवाबदेही नहीं है, जीरो अकाउंटेबिलिटी है उनकी। अगर कोई और राज्य होता तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया गया होता, मगर यहां पे हर दूसरी बात पे प्रेस रिलीज देने वाले एलजी साहब बिल्कुल चुप बैठे। इस बार एलजी कार्यालय से कोई प्रेस रिलीज ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है एलजी साहब बताएं इसके अंदर। एक और घटना के बारे में आज पता चल रहा है कि मजनू के टीले पे एक 22 वर्षीय लड़की की लहू लुहान लाश बरामद हुई। तीसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं परसों की, या शायद कल की है वो घटना। लक्ष्मीगढ़ नगर के अंदर दिन दहाड़े दो गुटों के अंदर झगड़ा हो रहा है, तलवारें चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। लक्ष्मी नगर यहां से पड़ोस में है, तो हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? टीवी के अंदर चल रहा है कि साहब लोग कोई बचाने नहीं आए। ये सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, ऐसे कई मामले पिछले एक साल के अंदर हुए जिसके अंदर आसपास के लोग बचाने नहीं आते हैं।
आप सर्वे कर लीजिए क्यों ऐसा है। मैंने कुछ लोगों से जानना चाहा क्यों नहीं आते लोग, तो लोग कहते हैं साहब अगर हम बीच में आ गए तो पुलिस असली अपराधी से तो पैसे ले लेगी और हमको फंसा देगी उसमें। हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये हालत हो गई है आज की लोगों के, वो दिल्ली के पुलिस व्यवस्था पे भरोसा उठ गया है। उनको लगता है कि हम किसी पचड़े में पड़ेंगे, हम ही को ना फंसा दे कोई। और दिल्ली पुलिस व्यस्त किस चीज के अंदर है? दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताएं जो है वो एलजी साहब तय करते हैं। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता ये है कि साहब अगर देश के लिए ओलंपिक जीतने वाली महिलाएं अपने हक के लिए उनको सेक्सुअली मॉलेस्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अगर धरने पर बैठी हैं, तो दिल्ली पुलिस उनके ऊपर डंडे चला रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, यूपी पुलिस की नहीं है, सीधा एलजी साहब के अंडर है। एलजी साहब बताएं, जब कानून है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि इस तरीके के मामले में एफआईआर तुरंत दर्ज होगी, तो एफआईआर क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज हुई? क्यों नहीं तुरंत दर्ज हुई? और जिन्होंने तुरंत दर्ज नहीं की उनके ऊपर एलजी साहब ने क्या कार्रवाई की? एलजी साहब बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। उन लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बताएं एलजी साहब क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। हां, मगर उन लड़कियों के ऊपर एफआईआर जरूर दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस ने उन लड़कियों के ऊपर अपना हक मांगने के लिए एफआईआर दर्ज करा दी, जंतर मंतर को छावनी बना दिया। इस चीज के लिए दिल्ली पुलिस के पास सब कुछ है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अदालत में गर्दन से पकड़ के दिल्ली पुलिस का एसीपी खींचता हुआ ले गया, सबने देखा। ये गर्दन सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं है, ये गर्दन कल को मेरी और आपकी भी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। गर्दन सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं है, जिस दिल्ली पुलिस का एसीपी डिप्टी सीएम की गर्दन पे हाथ डाल सकता है, उसके लिए किसी की गर्दन दूर नहीं है। मगर कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई एलजी साहब से सवाल पूछने वाला ही नहीं है। उन लड़कियों के ऊपर एफआईआर करने के लिए पुलिस है, डिप्टी सीएम की गर्दन पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस है, उन लड़कियों को डंडे मार मार के उनका धरना खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस है। मगर जहां तिहाड़ में दो दर्जन पुलिस वालों के सामने कैमरे के ऊपर चाकू मार मार के कत्ल कर दिया गया, वहां पुलिस नहीं है, वहां पुलिस गायब है, सामने दिख रही है पुलिस। पुलिस के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर ले, कुछ कार्रवाई कर ले। आप कह रहे हो, मैं देख रहा हूं कई टीवी पे चल रहा है कि साहब किसी ने मदद नहीं की। अरे वो आम लोग क्या मदद करेंगे, वहां तो पुलिस के सामने कत्ल हो गया, पुलिस ने ही मदद नहीं की। पुलिस वाले सारे के सारे कैमरे में दिख रहे खड़े हुए, किसने मदद की तिहाड़ जेल के अंदर? और सारे हथियार हैं, डंडे हैं, लाठियां हैं, बंदूक है, सब कुछ है तिहाड़ में, तब मदद नहीं की। तो पुलिस की प्राथमिकताएं जो है वो ये है कि आप राजनीतिक काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं उनके ऊपर काम कीजिए। कानून व्यवस्था तो प्राथमिकता ही नहीं है एलजी साहब की, और इसीलिए आज ये हालत है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था इतने नीचे उतर गई है।